ददरुआ धाम मंदिर है जो कि डॉक्टर हनुमान के नाम से जाना जाता है। माननीय मंत्री जी भली भांति इन स्थानों से परिचित भी है। सभापति जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने बोलने का समय दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ माननीय विमानन मंत्री जी को। मैं मांगों का समर्थन करते हुए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ माननीय मंत्री जी को और विमानन की पूरी टीम को जिन्होंने यूक्रेन से भारत के 20,000 से ज्यादा बच्चों को अपने परिवार के पास पहुंचाने का कार्य किया। मैं हृदय से अभिनंदन भी करती हूँ पूरी टीम का। और उड़े देश का आम नागरिक उसके तहत मैं अपने लोकसभा क्षेत्र का हमारा दतिया जिला जो कि माननीय मंत्री जी जानते हैं माँ पीताम्बरा की नगरी है, दतिया में माई के दर्शनों के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहता है। यहाँ शक्ति साधना का केंद्र है, यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना की दृष्टि से महीनों महीनों भर 15 दिन की पूजा कोई 8 दिनों की पूजा लगातार वो अपने परिवार के साथ कराने आते हैं। यहाँ पर छात्र छात्रा हैं संस्कृत की विद्या प्राप्त करने के लिए भी आते हैं दूर दूर से। और यहाँ पर रतनगढ़ की माता जो कि प्रसिद्ध है फेमस है, यहाँ पर सनकुआ धाम भी है प्रसिद्ध प्राचीन स्थल है, बालाजी सूर्य मंदिर है, ये दतिया के प्रमुख स्थल है, प्राचीन धरोहरें हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उड़ान स्कीम के तहत इस जिले को जोड़ा जाए और धार्मिक स्थलों से कनेक्टिविटी की जाए जिससे कि अन्य धार्मिक स्थलों से दतिया माँ पीताम्बर की नगरी को लोग दर्शन के लिए वहां आ सके। और फ्लाइटों की वहां पर अभी तो वहां कुछ नहीं है माननीय मंत्री जानते हैं, तो वहां हवाई अड्डा खोला जाए और फ्लाइटें चालू की जाए। दूसरा जिला मेरा भिंड है, भिंड जिला कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा है लेकिन उसके बावजूद भी पिछड़ा है, व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा जिला है। वहां पर गोहद का किला वर्ल्ड हेरिटेज में है जो कि विश्व धरोहर में आता है। दूसरा अटेर का किला है पर्यटन की दृष्टि से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। चंबल सेंचुरी है, बोरेश्वर मंदिर है, बनखंडेश्वर मंदिर है, ददरुआ धाम मंदिर है जो कि डॉक्टर हनुमान के नाम से जाना जाता है। माननीय मंत्री जी भली भांति इन स्थानों से परिचित भी हैं। सभी स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहता है। भिंड में ऐसी धरोहरें हैं जिन्हें देश के कोने कोने से लोगों का देखने का अवसर मिलता है। व्यापारिक दृष्टि से भी यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इसे भी उड़ान स्कीम के तहत जोड़ा जाना चाहिए। वहां तो भिंड में कुछ भी नहीं है, एयरपोर्ट के लिए जगह भी ढूंढी है प्रशासन ने, मैंने बात भी की है 2-3 जगह उन्होंने स्थान चयन करके रखा है, तो वहां पर हवाई अड्डा बनाया जाए और वहां पर फिर छोटी छोटी फ्लाइटें चलाई जाए। इन्हीं के साथ मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद श्री राजमोहन उन्नीतन जी।